टू फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छी हो, क्योंकि ये मेरी टू फैमिली है, राइट? सो जी, आज का मेकअप लुक है, यू नो, यू गेस इट, आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आया. आप लोगों ने बोला था मैम न्यू ईयर मेकअप लुक शेयर कर दीजिए. यस, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी, अफोर्डेबल. अगर आप बिगनर्स भी हो, मीन मेकअप करना नहीं जानते हो, तो भी इस मेकअप लुक को कर सकते हो. बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं क्या जल्दी से कीजिएगा, एंड जब को फ्रेंड्स फैमिली साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी वो भी फ्री में. तो नाउ स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, जो भी स्किन रूटीन आपको रहता है डेली में, जो भी करते हो, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो स्किन रूटीन तो प्रॉपर करना ही बनता है. तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, मैं जो भी क्रीम लगाती हूँ डेली यूज में, मॉइस्चराइज क्रीम लगा लीजिएगा. और मैं अपना आपको शेयर कर रही हूँ, मीन अपना स्किन रूटीन. सो ना, काफ़ी ये बेटर लग रहा है. ये बायम आयुर्वेदा का रोज़ वाटर है, और आपकी स्किन को मीन अच्छे से मीन हाइड्रेट भी कर देता है. सो या अगर आपको पसंद है तो आप इसका यूज कर सकते हो. सो यस, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, तो स्किन रूटीन मैंने सोचा क्यों ना आपको लोगों को शेयर कर दूँ. या ओके, मुझे पिंपल आ गई थी. हाँ, ये है, ये की एनीवे. अच्छा, मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ, ये गुड वाइब्स का फेस सीरम है, C+E, और ये नो पैरामीन, नो सल्फेट फ्री होते हैं, और मुझे काफ़ी पसंद आते हैं गुड वाइब्स के सीरम. सो यस, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए. यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ, अभी मैंने फेस सीरम अप्लाई कर लिया, नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ. सो यस, ये भी गुड वाइब्स की कोकोनट फेस क्रीम है. इस टाइम पे मैं इसका यूज कर रही हूँ. थिक मॉइस्चराइजर है, और आपके मीन विंटर के लिए, सर्दी के लिए काफ़ी अच्छा है. ये भी नो पैरामीन, नो सल्फेट फ्री है. सो यस, आई एम ट्राइंग दिस फेस क्रीम. यस, ये देखिए कितना टफ रह गया, क्योंकि मैं इसको डेली यूज कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे. आपके पास जो भी क्रीम हो, नॉट दिस, मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आपके पास जो प्रोडक्ट, मेरे जैसे प्रोडक्ट यूज करो, जो भी है आप उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो. और मेरे जैसे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो जो भी है वो यूज कर लीजिए. चलिए अच्छे से ब्लेंड करते हैं. अभी मॉइस्चराइज करने के बाद अभी चलते हैं आई मेकअप की तरफ. तो मैं यूज कर रही हूँ ये सुस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर बेस प्राइमर है. सी गाइस, बेस प्राइमर वो पूरा निकल गया. आपकी स्किन को इल्यूमिनेट करता है. मैंने ऑलरेडी इसको यूज किया है, अगर आपने नहीं किया है, काफी अच्छा वाला है, तो आप ट्राई कर सकते हो इसको. मैंने अभी प्राइमर अप्लाई कर लिया है, देखिए कितनी ग्लोई सी लग रही है ना स्किन. तो आई मेकअप मैं बड़ा ही इजी से करने वाली हूँ, पूरा मेकअप ही इजी से करने वाली हूँ, जिससे कि हर कोई इसको यूज कर सकते हैं, मीन बिगनर भी. तो आई मेकअप के लिए मैं यूज करूँ, मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट वाला ये सुस ब्यूटी का कंसीलर है, शेड इसका है 02. अगर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखना, काफ़ी अच्छा वाला है. सो यस, दोनों आइज पर अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने के बाद अभी स्पॉन्ज से आपको ब्लेंड करना है. आप स्पॉन्ज से करो, ब्रश से करो, फिंगर टिप से करो, जिससे भी करना है आप कर सकते हो. ये इतना अच्छा है अफोर्डेबल प्राइस में, और वर्क ना OMG वाला देता है गाइस, एक बार ट्राई करके देखना. ये देखिए मैंने अप्लाई कर लिया दोनों आइज पर. अभी मैं सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ यहाँ पर मेबरीन का ये फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर. काफ़ी इसका जो शेड है मैं बता दूँगा आपको, आइवरी इसका जो शेड है, शेड है इसका नेचुरल आइवरी. तो आई एम सेट दिस. अभी आई सेट करने के बाद मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ, यूज कर रही हूँ ये है मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट सेट. बड़ा ही इजी सा करूँगी, जो हर को ये वाला मैं शेड लूँगी एंड अप्लाई अपनी आईज पर टफ करेंगे एक्स्ट्रा, और अपनी क्रीज पर आपको बिल्डअप करना है हल्के हल्के से. आप प्लेस कीजिए, बड़ा ही इजी बताऊंगी, जो हर कोई इसको यूज कर सकता है. आपको ब्लेंडिंग करनी है क्रीज बिल्डअप करने के बाद. अभी आपको क्या करना है गाइस, अभी मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये लाइट वाला शेड, तो इसको हम अप्लाई करेंगे जस्ट सेंटर पे.
अभी अप्लाई कर लिया है मैंने। अब जस्ट मैं इसी कलर को, इसी शेड को मैं लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूंगी अपने। लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लिया है, जस्ट आइज को कंप्लीट करती हूँ। एंड लोअर लैश लाइन पर लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूँ लैक्मे का ब्लैक काजल। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ ये मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। इसका जो शेड है इसका 115 आइवरी। ओके, सो आई एम ट्राइंग दिस मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। आपके पास जो भी हो आप उसका यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हल्का सा जस्ट अप्लाई करेंगे, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। चलिए, मैंने अब इसकी जगह आप अपना कोई भी दूसरा अदर फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो और वीवी सीसी क्रीम भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ओके, सो ब्लेंड आउट करेंगे अभी इसको अच्छे से। तो अभी मेरा फाउंडेशन हो गया अच्छे से ब्लेंड। अब भी कॉम्पैक्ट पाउडर शेड इसका लाइट आईब्री, नेचुरल आईब्री, जिससे कि हमारा जो मेकअप है सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, इजी सा सटल सा आप सभी कर सकते हो इस मेकअप लुक का। पेन आईलाइनर, सो मैं अभी अप्लाई करूँगी इसको एज अ लाइनर। आई एम अप्लाइंग दिस लाइनर। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम यूज करते हैं यहाँ पर मस्कारा। मस्कारा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे यूज करूँ ये लैक्मे का आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा। सो आई एम अप्लाइंग दिस देखिए सेम नीचे वाली लैसेस पर हम अप्लाई करेंगे। इसका भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। आईब्रोज को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मार्स का आईब्रो फिक्सर किट, ब्रो फिक्सर किट। यहाँ पर ले रही हूँ मैं ये वाला शेड और फिक्स करेंगे आईब्रोज को। मैं बहुत ज़्यादा अमीर अभी आईब्रोज को फिक्स की लेती हूँ। ये दिया हुआ है पीछे साइड पे, तो इससे आपको सेट करना है जिससे कि ये फेक ना लगे। ये देखिए मेरी आईब्रो हो गई है फिक्स। तो इसी तरह से मैं इस आईब्रो को भी फिक्स कर लेता। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश है। ओपन करूंगी मैं कुछ इस तरह का। ओके, सो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ इस ब्लश को चीक्स पर हल्का सा। आपको मैंने अप्लाई करना है और मैंने यहाँ पर कॉन्टोरिंग स्किप कर दी है, अगर आप चाहो तो कॉन्टोरिंग कर सकते हो। अभी यूज करते हैं हम हाइलाइटर ट्रू। ये है मेबेलिन का मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर। एंड बता दूँ मैं आपको, मैंने फास्ट लैशेस का यूज कर लिया है, काफ़ी पिगमेंटेड है गाइस। सो मैं अप्लाई कर लिए थी यहाँ पर हाइलाइटर, मैंने अप्लाई कर दिया है। तो अभी मैं यूज करने जा रही हूँ लिपस्टिक। ये है पर्पल की रेड रोड ट्रिप लिपस्टिक। ये है मेबेल की सुपर मैट इंक लिपस्टिक। ये है रेड, मैं आपको स्विच दे दूँ। ये देखिए ये वाला रेड है इसका गाइस, ये वाला। और ये है, ये है मेबेलिन की इंक मैट सुपर स्टीम मेबेलिन की इंक लिपस्टिक। ये देखिए, तो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अभी ये वाला शेड मेबेलिन की सुपर स्टे इंक लिपस्टिक। इसका जो शेड है 295 डाउटलेस। आई एम अप्लाइंग दिस लॉन्ग बियर लिपस्टिक है ये। OMG शेड देखिए आप कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा है। अभी दिखाते हैं हम आपको फाइनल लुक। मैं इनसाइड का मेकअप फिक्सर, न्यू ईयर फाइनल मेकअप लुक गाइस।
आप बड़े ही ईजी तरीके से कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो भी आप इस लुक को कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड जिम को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, वो भी फ्री में।